ये चूड़ा कहलाता है। वैसे इसको चूड़ा कहते हैं यहाँ पर कराची में, ज़्यादातर जो है चूड़ा ही के नाम से जो है पतंग जो है उड़ाई जाती है। कलर इनके पास येलो है, नीला है और अपना ये गुलाबी है। कोई कलर देखें आप, ये जबरदस्त कलर है। ये पतंग जो है किसी के पास भी अभी अवेलेबल नहीं है। पतंग 24 वाली लेके जाओगे 10 की 10 खराब निकल जाएंगे, लेकिन ये पतंग खराब पूरी मार्केट टच कर ले उसके बाद ये पतंग आके देख। पतंग का साइज देखें आप, ये देख लें नजर आ रही होगी आपको, चिकनी डोर जो लगी हुई होगी वो ये होगा कि जब पेंच लड़ेगा तो जब वो चुटकी पे चलेगा ना ऐसे ऐसे करके, तो पतंग की डोर जो ना ऐसे ऐसे करके हिलेगी। जब हिलेगी तो इसमें ये माल जो है ना बिल्कुल जड़ेगा नहीं। ये देख लो भाई, ये मैं खींच रहा हूँ, ये देखें आप, और ये देखो ये कितना बन गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले दुरूद पाक सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इस टाइम मौजूद हूँ रेनबो सेंटर, यानी कि सदर के रेनबो सेंटर में मौजूद हूँ। आज मैं आया हूँ एक ज़बरदस्त किस्म की एक और मुझे दुकान यहाँ पर मिल गई है, शामी भाई की दुकान है। और शामी भाई की दुकान कहाँ पड़ेगी तो चलते हैं। और जाने से पहले मैं दोबारा लोकेशन बता दूं, इसलिए कि मुझे ये एक और दोबारा यहाँ पर रेनबो सेंटर में दुकान मिली है, नई दुकान है वो भी, और फर्स्ट टाइम इनकी यहाँ पर ये वीडियो बन रही है। चलो चलते हैं, शामी भाई की दुकान कहाँ पर है? सामने प्रेस मार्केट है और ये रेनबो सेंटर है काफ़ी बड़ा, तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं शामी भाई की दुकान कहाँ पर है। तो भाई मैं सीधा चलता हुआ सीधा मैं ऊपर आया हूँ सीढ़ियों से चलता हुआ, और शामी भाई की दुकान कहाँ पड़ेगी? जैसे आप ऊपर चढ़ते हुए नज़र चलते हुए आएंगे तो आपके उल्टे हाथ पे आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर, सही ना? तो चलते हैं यहाँ पर और दिखाते हैं आपको शामी भाई की दुकान कहाँ पर है। ये देखें, ये शामी भाई की दुकान आ चुकी है, बिल्कुल भूल बिल्कुल नया पता है, बिल्कुल बिल्कुल ईजी पता है, यानी कि ठीक है ना। और ये देखें इनके पास माशाल्लाह से माल बहुत आया हुआ है पतंगों का, और भी इनमें वैरायटी इनके पास ऐसी ऐसी, इनके पास मैदानी पतंगें भी मौजूद हैं और लोहरी पतंगें भी इनके पास मौजूद हैं। चलो चलते हैं अंदर और वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी, और दिखाते हैं आपको उनके पास माल। और मांझे भी इनके पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के रखे हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, तो पूछेंगे मांझे की रेट भी पूछेंगे और पतंगों की रेट भी पूछेंगे। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है? आप जरा अपना नाम बता दें और यहाँ की लोकेशन बता दें, आपकी दुकान कहाँ पर है और क्या नंबर है आपकी दुकान का? नाम मेरा शामी है। ठीक है, आप सदर रेनबो सेंटर पे आएंगे किसी से ही पूछ लीजिएगा, 125 शॉप नंबर, 125 नंबर दुकान है इनकी। जैसे ही आप जीना चढ़ेंगे वैसे ही मेरी उल्टे हाथ पे दुकान है। सही है। अच्छा ये बताएं शामी भाई, आप कहाँ से स्टार्ट लेना है? छोटी पतंगों से? पहले तो छोटी पतंग ही दिखाऊंगा, ये वाली पतंग है 7 रुपए की पड़ती है। ये 7 रुपए की पड़ेगी भाई आपको, एक 7 रुपए की पड़ेगी, 700 रुपए सैकड़ा है, 700 रुपए सैकड़ा पड़ेगी भाई। ठीक हो गया भाई, आगे दूसरी दिखा। और एक इससे बड़ी वही वाली है। अच्छा भाई, ये 9 रुपए की पड़ती है, 15 रुपए की बिकती है। ये 9 रुपए की है भाई, एक 9 रुपए की पड़ेगी और सैकड़ा 900 रुपए से 900 रुपए सैकड़ा है भाई, जबरदस्त हो गया। और इसके अलावा और दूसरी दिखाएं। इसके अलावा ये इससे बड़ी वाली साइज है, इससे बड़ी वाली साइज आ गई, लग्गू आ गया भाई, सही है भाई। अच्छा ये एक कितने की पड़ी सैकड़ा? ये 1700 रुपए सैकड़ा है, 1700 रुपए सैकड़ा। ठीक है, और इसके आप खाली कलर देखें कैसे हैं भाई? कलर इनके पास बहुत है, कलर जबरदस्त है। ये कलर देख लें आप, ये कलर आप देख लेंगे, कलर इसके इनके पास बहुत है, अलग अलग किस्म की कलर इनके पास मौजूद है, वैरायटी इनके पास बहुत सारी इनके पास मौजूद है। 1700 रुपए की एक पड़ेगी, और सैकड़ा क्या पड़ रही है आपने? 1700 रुपए सैकड़ा है भाई ये, ठीक है ना, जबरदस्त हो गया। अच्छा और दूसरी दिखा दें आप। इससे बड़ा साइज ये वाला है, इससे बड़ा वाला साइज है कि ये कौन सा साइज कहलाता है? अद्दी का साइज कहलाता है, ये अद्दी का साइज है भाई, देख लें आप, ये अलग अलग कलर इनके पास मौजूद है और भी कलर इनके पास मौजूद है। कलर खाली इसमें आप देखेंगे, आप बोलिएगा कितने कलर हैं। इसके खाली आप कलर देखो, खाली कलर कैसे हैं, एक से एक कलर हैं, एक से एक कलर इनके पास मौजूद है भाई, देखें आप, जबरदस्त जबरदस्त बेहतरीन। अरे यार शामी भाई कितने सारे कलर रखे हुए हैं यार। नहीं अभी तो और भी कलर हैं, मैंने दिखाया है, बहुत सारे कलर इनके पास। आप खाली माल देखें, एक से एक कलर वाला माल होगा, आप खाली कहीं से भी साइड उठाएंगे आपको कलर ही कलर दिखेंगे। ये देख लो भाई कलर देखें आप, ये जबरदस्त कलर है भाई, बेहतरीन कलर है यार। ये बस सही है। अच्छा शामी भाई आपने माशाल्लाह से काफी कलर रखे हैं, ये बताएं इनके रेट क्या है? इनकी एक पतंग ये वाली जो है चाइना पेपर में जो थी वो 22 रुपए की पड़ रही है भाई, 22 रुपए की एक पड़ेगी चाइना पेपर में, 2200 रुपए सैकड़ा है, 2200 रुपए सैकड़ा। और जो ये वाली पतंग आपको दिखाई है 2400 रुपए सैकड़ा है, ये 2400 रुपए है भाई ये वाली, देख ले आप, ये
जबरदस्त हो गया। और बाकी जो आपने दूसरी जो दिखाई है ये अपने कारखाने का माल है, आप अगर एक पतंग भी चेक करेंगे ना आपको पता लग जाए कैसी है। भाई ये देख ले भाई, पतंग बहुत शानदार बनी हुई है, कराची के हिसाब से जो ना हवा तेज चलती है यहाँ पर, और उसके हिसाब से बहुत अच्छी पतंग बनी हुई है भाई। आप चार का सेट है ना, चारों में से चारों पतंगें निकाल लें एक जैसी पतंग होगी इंशाल्लाह। ये हमारे कारखाने की पतंग है, अच्छा। जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी, जितनी चाहिए आपको उतनी मिल जाएगी। ये 2400 रुपए सैकड़ा बताइए भाई ने, और दूसरी वाली जो दिखाई है वो क्या रेट बताए थे? 2200 रुपए। 2200 रुपए सैकड़ा। इसमें चाइना माल लगा हुआ, ये सारा ये चाइना है, ये नजर आ रहा ना आपको पीछे, ये सारा माल जो नजर आ रहा है वो चाइना है, सब चाइना का माल है, सब चाइना का माल है। चाइना पेपर बहुत बेहतरीन चल रहा है, बहुत बेहतरीन है। अच्छा, और ये कलर वाली आपने? ये सब इसी के कलर है, 24 वाली के। अब भाई 24 वाले के कलर है, ये देख रहे हैं आप, ये 24 वाले के कलर है, ये आपको कलर बहुत मिल जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, अब ये बताएं कि आपके पास लोहरी पतंगे भी मौजूद है? लोहरी पतंग दिखाएं जरा, लोहरी पतंगे भी। लोहरी पतंग में भाई ये पतंग जो है किसी के पास भी अभी अवेलेबल नहीं है। लो भाई लो, जो कि सिर्फ आपको मेरे पास मिलेगी पतंग, और आप पतंग के कलर देखें खाली भाई, कलर इनके पास ये देखें आप, ये मेरे हाथ में तो खैर नजर आ रहे हैं, और अलग अलग आप कहीं से भी निकालेंगे ना खाली, आप कलर देखें, खाली कलर देखें आप, जबरदस्त। अच्छा, रेनबो सेंटर में किसी के पास नहीं होंगे? नहीं, ये वाला साइज तो नहीं होगा, ये वाला साइज बड़ा साइज लोगों के पास है। अच्छा, ये साइज है क्या? ये पास अद्दी का साइज कहलाता है, इस साइज का। अच्छा, इस साइज का कहलाता है, ये अद्दी का साइज है। एक कितने की सैकड़ा? 28 की पड़ती है, 40 रुपए की रिटेल होती है, 40 रुपए की एक है, और ये 2800 रुपए सैकड़ा। 2800 रुपए सैकड़ा, 2800 रुपए सैकड़ा है भाई। कलर इनके पास बहुत है, और पेपर भी अच्छा लगा हुआ इनका पतंगों का, ये देख ले आपने, आपको नजर आ रहा होगा ये कलर, बहुत सारे कलर, बहुत सारे कलर इनके पास, ठीक है ना, ये देखिए आप, ये सही है। तो शामी भाई, और इसके अलावा? इसके अलावा ये मुझे दिखाएं, इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ लोहरी स्टाइल में पतंग। ओहो, इसी से बड़ा साइज कहलाता है, इससे तो बड़ा साइज दिखा रहे हैं, लोहरी स्टाइल, लोहरी स्टाइल। ओहो, आप खाली पतंग ये देखे भाई, आप देखिए, देखिए आप डिजाइन देखिए, पतंग डिजाइन भी बहुत खूबसूरत बने हुए भाई, ये देख लें आप, ये जबरदस्त। ओह, ये भी आ गया, लव वाला भी आ गया, क्या बात है यार। तो ये क्या हिसाब पड़ रहा है? ये वाला 4000 रुपए सैकड़ा है, 40 की एक पड़ती है। ये 4000 रुपए सैकड़ा है, और 40 रुपए की एक पड़ेगी भैया रिटेल में। अगर आप होलसेल रिटेल में लोगे तो आपको 60 रुपए की एक पड़ेगी भाई, 60 रुपए की एक पड़ेगी भाई। वैसे भी अगर कोई दर्जन पतंगे लेगा तो हम फिर भी उसको होलसेल रेट लगा देंगे। अच्छा, हमारी वीडियो देख के जो आपके पास आएगा जो भी आएगा डिस्काउंट देंगे, कोई सा भी आप साइज उठाएं ना डिस्काउंट देंगे। शामी भाई जबरदस्त हो गया भाई, शामी भाई जितने भी मैंने आपको साइज दिखाए, जितने भी साइज दिखाए ना बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपने दिखा दिया, अब इसके अलावा जो मैदानी पतंगे तो वहाँ पर मौजूद है, वो जरा वो भी दिखा देते हैं भाई। मैदानी पतंग दिखा, मैदानी पतंग में आपको लग्गू चाहिए या फिर भर्रे चाहिए? भर्रे या फिर भी दिखाएं, लग्गू भी दिखा दे आप, दोनों दिखा दे भाई। ये आ गए भाई मैदानी पतंगे, आ गए। ये है अद्दी का साइज भाई, ये देखें भाई अद्दी का साइज है, और ये देख लें आप, ये चूड़ा कहलाता है। वैसे इसको चूड़ा कहते हैं यहाँ पर कराची में, ज्यादातर जो है चूड़ा ही के नाम से जो है पतंग जो है उड़ाई जाती है, ब्लैक कलर की। और ये दिखा दे, और ये छिली भी कमानी, छिला हुआ ठड्डा, छिली भी कमानी भाई, देख लो छिला हुआ ठड्डा है और छिली भी कमानी है, बहुत पत्ता देखे आप कितना छोटा है, बिल्कुल इंडियन स्टाइल की तरह ये पतंग बना हुआ, जैसे इंडियन में जो पतंग इंडिया में जो उड़ाई जाती है पतंगे, बिल्कुल उनका पत्ता भी जो है छोटा ही आता है, ये देखो सही है। और ये देखो अभी, अच्छा ये कितने की पड़ेगी एक, और रेट ये 40 रुपए की एक है। अच्छा, और अगर कोई होलसेल में लेगा तो उसको 35 रुपए की लगेगी। अच्छा, 35 रुपए की मिलेगी भाई होलसेल में, अगर ज्यादा लोग है तो, ठीक है ना, और वैसे अगर एक लोग है तो 40 रुपए की पड़ेगी सैकड़ा, सैकड़ा 3500 रुपए सैकड़ा। अगर कोई दर्जन भी लेना चाहेगा तो 35 रुपए की उसको लगा दूंगा, अगर आपके रेफरेंस आएगा कोई भाई, जो भी वीडियो देख कर आएगा स्क्रीन शॉट लेकर आएगा तो भाई आपको ये डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है ना। और ये आपको ये क्या कह रहे हैं पता, 35 रुपए की एक पड़ेगी, स्क्रीनशॉट लेकर आएंगे, जिसको अगर 12 भी चाहिए होंगी तब भी आपको ये 35 रुपए की पड़ेगी, मैदानी पतंगे, और पेपर भी बहुत अच्छा है, जबरदस्त। इसमें खाली आपने चूड़ा देखा है, इसके अलावा इतने कलर हैं, आप बोलोगे वाकई में भाई कलर तो इनके पास बहुत है, इसलिए कि ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बेहतर है कि शामी भाई जरा जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रहे हैं, थोड़ा वीडियो लंबी नहीं हो जाए, ठीक है ना। इसमें तो आप भर्रे देखें, भर्रे जो है असल चीज है, भर्रे भर्रे दिखा दे, वो खिंचाई पे अगर कोई लड़ाता है तो बेहतरीन लड़ा है। तो शामी भाई ये भर्रा दिखा रहे हैं भाई आप, जबरदस्त हो गया भर्रा यार, ये चिली भी कांप का भर्रा है भाई, क्या बात है, जरा एक पतंग जरा निकाल के तो चेक करो आप, खाली पतंग देखें और पतंग की बनावट देखें बस, जबरदस्त यार, क्या बात है यार शामी भाई, ओहो क्या बात है यार, कमानी तो इतनी जबरदस्त किस्म की कमानी जा रही है भाई आपकी, देखिए कमानी
बिल्कुल एक सी कमानी होगी और छिली भी कांप है इसकी, और ये ठड्डा भी इसका बिल्कुल फर्स्ट क्लास जबरदस्त किस्म का ठड्डा इनके पास है, और बेहतरीन पतंग है, मैदानी पतंग है भाई, लड़ाने वाली कलर इनके पास बहुत है। कलर आप खाली पतंग देखेंगे, आप ये खाली मैं कहता हूँ, अगर आप 24 वाली पतंग उड़ा रहे हो ना, मैं कहता हूँ आप दो पतंगे ये उड़ा लो, 24 वाले को छोड़ दोगे आप। अच्छा, 10 पतंगे 24 वाली लेके जाओगे, 10 की 10 खराब निकल जाएंगे, लेकिन ये पतंग खराब नहीं। देखो भाई, इसमें खासियत ये है कि ये छिली भी कहाँ पे बिल्कुल सही है ना, और ये खासियत इन्होंने शामी भाई ने बता दी, इसमें फायदा क्या है इसमें, ठीक है। अच्छा शामी भाई, ये क्या सैकड़ा पड़ रही है, और ये वाली जो है वही रेट पड़ेगी आपको जो मैंने आपको इसमें गुड्डे दिखाए। अच्छा, वही रेट पे पड़ेगी, वही रेट की पड़ेगी, जो आपने गुड्डे जो दिखाए इन्होंने वही रेट पे पड़ेगी, यानी कि वैसे भी आप बता दें आप, वैसे आपको 35 रुपए की एक पड़ेगी। अच्छा, और रिटेल में आपको पड़ेगी 40 रुपए की ये वाली। अच्छा, रिटेल में 40 रुपए की, और अगर आप सैकड़ा लेंगे तो 35 रुपए की पड़ेगी भाई आपको। ये भर्रा पतंग देख रहे हैं, मैदानी भर्रा, ये जबरदस्त हो गया यार, क्या बात है यार, जबरदस्त पतंग दिखा दी। अच्छा, ये भी आपके पास है यार। अच्छा, इसमें जो आपको दिखा रहा था ये पतंग है छिले हुए कांप की, बिल्कुल चाइना पेपर में भाई, ये देख ले। ये पतंग जो है, अगर जिसको कोई शिकायत होती है ना पेपर की, ठीक है, तो वो मेरे कहने से ये पतंग ले जाए चाइना पेपर की, बस जबरदस्त। इसमें 3 कलर है माशाल्लाह, पतंग ये वही रेट है, ये वही रेट है, 30 रुपए 40 रुपए, यानी कि भाई देखें ज्यादा लेंगे ना आपको पतंगे तो आपको ये भाई 35 रुपए की पतंग पड़ेगी, अगर सैकड़ा 100 पतंगे लेंगे तो 35 रुपए के हिसाब से पड़ेगी, अगर कोई 10, 12 या 15 अगर कोई 12 पतंगे लेता है और आपके रेफरेंस से आएगा तो मैं उसको 35 रुपए की लगाऊंगा। भाई देखें भाई, मेरे रेफरेंस से आएंगे, स्क्रीनशॉट लेकर आएंगे, आपको ये 35 रुपए की पतंग पड़ेगी, छिली भी कांप है, मैदानी पतंग है बिल्कुल जबरदस्त किस्म की, पत्ता देखने कितना छोटा है इसका, तो बिल्कुल इंडियन स्टाइल से ये पतंग। आप ये वाला इसका चौका उठाओगे ना, ब्लू वाला खाली, आप इसके 3 कलर है, बेहतरीन पतंग है भाई, देख ले भाई कलर इनके पास है, कलर इनके पास येलो है, नीला है, और अपना ये गुलाबी है। आप खाली पतंग की फिनिशिंग बोलेंगे कि हाँ यार पतंग है, बाकी जबरदस्त बनी है फिनिशिंग यार, शमी भाई जो बात है यार, पतंग की फिनिशिंग भी बता रही है माशाल्लाह, तो जबरदस्त बनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इससे बड़ा साइज, इससे बड़ा साइज दिखा रहे हैं, क्या साइज, जो कि आप खाली पतंग देखिएगा कैसी है, मैदानी में दिखा रहा हूँ, और आपको एक लोकल पतंग दिखाऊंगा वो भी अच्छी पतंग है। ये देख रहे हैं भाई, ये मैदानी पतंग दिखा रही है, ये आपको लग रहा होगा, ये देखिए आप, ये मैदानी पतंग है भाई, ये देखिए आप, जबरदस्त ठीक हो गया भाई। अच्छा, ये साइज कौन सा है, ये पौने का साइज कहलाता है, पौने का साइज है भाई, ये जबरदस्त हो गया, बेहतरीन छिली भी कांप है इसकी भाई, छिली भी कमानी है इसकी, और ठड्डा ही है, ठीक है ना। अच्छा, आपको एक चीज मैं बताऊं, जबरदस्त पौने साइज में 3 क्वालिटी है। अच्छा, है ये पहला साइज जो है आपने देखा पौने का, लेकिन जो ये बनावट है और ये बनावट है ये अलग फर्क है, हाँ। ये जो पतंग है इसकी हमने कमानी थोड़ी नीचे तक पहुँचाई है, ताकि पतंग घूमे नहीं, कुछ आते हैं लोग बोलते हैं पतंग घूम ज्यादा रही है और उड़ नहीं रही, इसी वजह से ना ये वाला जो पौना है इसका जो है सिका हुआ ठड्डा है, छिली हुई कमानी छिला हुआ ठड्डा, आपको नजर आ रहा होगा पौने का साइज है, जबरदस्त मैदानी पतंग है, बेहतरीन। अच्छा, ये कितने की पड़ रही है, ये वाली 60 रुपए की पड़ेगी आपको। अच्छा, 60 रुपए की, 60 रुपए की पड़ेगी, 60 रुपए की पड़ेगी भाई, देख रहे हैं आप, 60 रुपए की, जबरदस्त। और सैकड़ा अगर आप लोगे तो 5500 रुपए सैकड़ा है, और अगर कोई एक दो पीर या दर्जन लेता है तो इसमें 60 की, इसमें गुंजाइश नहीं है, इसमें गुंजाइश नहीं है भाई, इसमें गुंजाइश नहीं है, 60 रुपए की एक पतंग है, सैकड़ा आपको समझ ही होंगे कि कितने की पड़ रही है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, इससे हल्की वैरायटी दिखा रहा था, हल्की नहीं, नॉर्मली जो शौकीन होते हैं ना कलरफुल मांगते हैं, तो ये बहुत बेहतरीन है, जबरदस्त बेहतरीन। ये कितने की, ये वाली आपको 50 रुपए की पड़ेगी, एक पीस, एक पीस 50 रुपए का पड़ेगा भाई ये रिटेल में, अगर कोई होलसेल में लेगा तो उसको 42 रुपए का लगेगा फाइनल। अच्छा, 42, लेकिन हाँ इसमें कलर बहुत सारे हैं। अच्छा, कलर इसमें आपको और मजीद बहुत सारे मिल जाएंगे, ये वाले कलर, ठीक हो गया शामी भाई, जबरदस्त हो गया। अच्छा, एक इससे बड़ा साइज दिखा रहा हूँ, वो बेहतरीन पतंग है, जो कि कोई बेहतरीन से बेहतरीन जिसको बोलते हैं ना वो पतंग है, आप ये मैं कहता हूँ भाई, आप बंदा पूरी मार्केट टच कर ले उसके बाद ये पतंग आके देखे, ओ पतंग देखे आप, ये पट्टी कम का पतंग है भाई, और यार क्या बात है यार शामी भाई, तुमने तो यार धूम मचा दी यार, ये देखें आप साइज, पतंग का साइज देखें आप, ये पट्टी कम का पतंग कहलाता है, और कराची के हिसाब से जो है ये बहुत अच्छा बना हुआ है, और
जबरदस्त है यार, इसकी कमानी देखें आप, ये देखें आप कमानी देखें, बिल्कुल कैसी जा रही है, बिल्कुल एक सी जा रही है, कहीं से ऊपर नीचे नहीं है। अगर ये ऊपर नीचे होती है तो पतंग सीधी नहीं खड़ी होती, पतंग इधर इधर यानी घूमती भी है और संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मैदानी पतंग है भाई, ये देखें आप जबरदस्त। अच्छा शमी भाई कितनी की दे रही है? अच्छा ये आपको भाई मुनासिब रेट पे मिलेगी, 120 रुपए की पतंग है, लेकिन अगर कोई इस पे 12 तार पे मांझा उड़ाता है मोटा मांझा तो बेहतरीन लड़ेगा। इसके हिसाब का आपको मांझा भी दिखाऊंगा। अच्छा, और पतंग तो आपको दिखा दी भाई, ये पतंग तो दिखाई दी है भाई, आप ये देख रहे हैं आप, ये और 120 रुपए का पतंग, 120 रुपए की, कोई आपको ऐसे रेट नहीं देगा। पट्टी कम है, पट्टी कम, इसमें पट्टी कम है, आप लगभग देखोगे आप बोलोगे वाकई में कोई चीज है यार। वाकई यार बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा पतंग बना है, पेपर भी बहुत अच्छा है, चाइना पेपर है, चाइना पेपर है भाई, ये देख रहे हैं आप, ये बहुत किसी अच्छे कारीगर की बनी है यार पतंग, बहुत जबरदस्त बनाई है, बेहतरीन। अच्छा आप इसमें आप लग्गू देखो, ओहो लग्गू भी आ गए भाई, ये देखे भाई लग्गू, ये देख रहे हैं भाई लग्गू, और इसमें कलर भी होंगे, कलर भी होंगे। आप खाली पतंग देखेंगे ना, ये आपने खाली आसमानों पे दिखी होगी पतंग, ये जबरदस्त हो गया यार, ये देख रहे हैं भाई। अब ये लग्गू है, अब इसमें चार पीके हैं, किसी किसी में दो भी आती है, किसी किसी में एक भी आती है लगी हुई, इसमें चार है और बहुत भसन वाला पतंग है ये देखें, ओहो क्या बात है यार, जबरदस्त किस्म की कमानी लगी हुई है इसकी, बिल्कुल एक सी कमानी है, कहीं ऊपर नीचे नहीं है। मैदान में अगर इसको आप लड़ाएंगे चरखी लाइए तो मैं तो कह रहा हूँ बहुत जबरदस्त उड़ेगी भाई, ये भी वही रेट पे पड़ेगी, वही रेट पे पड़ेगी, 120 रुपए की पतंग पड़ेगी भाई, ये देख लेंगे पट्टी कम का पतंग है जबरदस्त। अच्छा कलीदार भी इसमें मिल जाएगा? हाँ कलीदार, ये वाला साइज है कलीदार का, भाई कलीदार आ गया भाई, ये देखो भाई कलीदार आ गया भाई, ये देखो भाई चूड़ा एक और ये पट्टा वाला पतंग। आप खाली एक पतंग चेक करें उसके बाद मेरे को बताएं कैसी है, चेक कर लेते हैं शामी भाई। शामी भाई ये तो मेरे मतलब का पतंग है यार, यकीन नहीं करो, ये तो मेरा मतलब का पतंग है, जबरदस्त हट्टा भी बहुत बेहतरीन है, कराची के हिसाब से बहुत अच्छी पतंग बनी हुई है भाई, जबरदस्त कलीदार पतंग है। अच्छा कलीदार और पट्टी कम में देखें आप, ये नजर आ रहा है ना आपको, ये कलीदार है उल्टी हाथ की और सीधे हाथ की मेरी ये पट्टी कम की पतंग है, क्या बात है यार जबरदस्त किस्म की भाई, ये पतंग बेहतरीन है यार जबरदस्त। ये कितने की पड़ेगी भाई कलीदार? ये वही आपको पड़ेगी, इससे रेट कम है। अच्छा ये आपको फाइनल 90 रुपए का पड़ेगा, इसका होलसेल नहीं है। अच्छा इसका होलसेल नहीं है, ये तकरीबन भाई हम ज्यादा पीस भी नहीं दे सकते, कोई मांगेगा तो मुश्किल से 25 पीस देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। अच्छा, बस 25 पीस से ज्यादा नहीं देंगे, 25 देंगे और उसका वही 90 रुपए का जो है ना आपको ये पड़ेगा भाई, आपको 90 रुपए का कलीदार है भाई। जो कुछ लोग आते हैं जैसे कि केमिकल पे उड़ाते हैं, तो उस हिसाब से हमने ये बहुत बेहतरीन पतंग बनवाई है कराची वालों के लिए। अब इसमें इतनी लचक है, कोई हल्के से हल्का केमिकल से उड़ा ले पतंग बेहतरीन उड़ेगी। ये देख लें भाई डब लिखा हुआ है इसमें और हल्की सी, ओहो कराची के हिसाब से तो बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत बेहतरीन पतंग है माशाल्लाह। इसका बड़ा साइज, इसकी का साइज दिखाता हूँ, इसमें लव वाला भी, येलो और मुख्तलिफ बहुत सारे कलर है। ये देख लें भाई लव वाला भी आ गया भाई, जबरदस्त हो गया यार, बेहतरीन बेहतरीन डिजाइन इनके पास बहुत है भाई। अच्छा ये कितने की पड़ रही है? ये आपको 80 रुपए का पड़ेगा एक दाना। हाँ तो ये साइज क्या है? ये तावे का साइज कहलाता है, तावे का साइज है भाई, ये देख रहे हैं 80 रुपए की एक पड़ेगी, और सैकड़ा क्या पड़ेगी? सैकड़ा कोई लेगा तो 6000 रुपए सैकड़ा, 6000 रुपए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आप पूरी मार्केट में, मैं कहता हूँ बंदे को घूम ले उसके बाद मेरी पतंग आके देखे, इस पतंग में ये क्वालिटी है कि ये पतंग जब चेक करेगा ना, ये ढीली पतंग नहीं है, बिल्कुल आप कड़क पतंग है, आप 9 तार के मांझे से भी इसको उड़ाओगे ऐसा पेच करेगा, आप बोलोगे वाकई में कोई पतंग है, बेहतरीन है भाई, बिल्कुल टाइट पतंग हो रही है, यानी कहीं से ढीलापन नहीं है इस पतंग के अंदर। इनका बताने का मकसद यह है, जिस तरह की आपने पतंगें दिखा दी, मैदानी भी पतंगें दिखा दी इन्होंने, और इन्होंने लोकल पतंगें भी दिखा दी, यानी कि मैदानी पतंगें लोकल पतंगें भी दोनों इन्होंने दिखा दी, कलीदार भी दिखा दी, पट्टी कम भी दिखा दी। अब मैं आ रहा हूँ मांझे की तरफ, तो शामी भाई मांझा बताएं कौन कौन से मांझे आपके पास? मांझे में देखें, पहले मैं होलसेल से शुरू करूंगा, ठीक है? होलसेल के जो मांझा है वो ये है, ये चरखी पड़ती है, वोई, 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 आपको खाली ये बच्चों के हिसाब के लिए मांझा है। अच्छा बच्चों के हिसाब से मांझा, बच्चों के हिसाब के लिए मांझा है, वोई, वोई। ये जो होलसेल वाले जो है ना वो लेके जाए ये चरखी। चमक देख रहे हैं, नजर आ रही होगी आपको भी चमक, जबरदस्त हो गया भाई। ये कितने की है? ये आपको यहाँ से होलसेल रेट में पड़ेगी 400 रुपए की, 400 रुपए की चरखी आएगी भाई, 400 रुपए की, देख रहे हैं कैसी डोर चमक रही है यार, जबरदस्त हो गया। कितनी गज है? इसमें 750 गज मांझा होता है पूरा वाला। अच्छा पूरा वाला 750, ये इलाकों में बिकता है, 1 रुपए का 1 गज बेचेगा बंदा उसके 750 रुपए बनेंगे बेचने वाले के भाई। देख लो भाई जबरदस्त हो गया यार, 400 रुपए की चरखी है यार,
700 गज इसमें मान जाए तो भाई जल्दी शामी भाई से रब्ता करिएगा, नंबर बताने वाले हैं आपको अभी, ठीक है ना शामी? अच्छा एक जो है जिसमें पूरा प्रॉफिट मिलेगा बेचने वाले को, ठीक है, जो कि 1 रुपए का एक गज बेचेगा 4000 रुपए बनेंगे गारंटी के साथ मान जा। ओए गारंटी के साथ बता रहे हैं भाई आपको, ये मान जा है 4000 गज की चरखी कहलाती है, 1 रुपए का एक गज बचे बेचने वाला उसको प्रॉफिट अच्छा होगा, हमें ये पता है। यार देखो तो सही धार देखो, और ये देखो आपको नजर आ रहा होगा शीशा, क्या चमकता हुआ शीशा नजर आ रहा है आपको यार, ये है कौन सी डोर यार? ये भाई 66 की डोर कहलाती है, 9 तार की, हाँ 66 की 9 तार की धार, बहुत जबरदस्त है यार, बेहतरीन है, और ये पूरी रील लग रही है, पूरी 4000 गज है। इसमें जो मैंने आपको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि बंदा ये बेचे 1 रुपए का एक गज 4000 रुपए बनेंगे उसके पूरे, और ये चरखी भाई आपको पड़ेगी 1850 रुपए का पूरा मान जाए, 4000 गज आपको पड़ेगा 1800 1850 रुपए का भाई 4000 गज माने पड़ रहा है, ये देखने चमकता हुआ नजर आ रहा हूँ आपको, जबरदस्त हो गया यार, जबरदस्त बेहतरीन। और इसके अलावा कोई और है? इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ जो कि मैदानी मांजे शुरू होते हैं, जैसे आपने पतंग देखी मैदानी, ठीक है, उसी हिसाब का मांजा दिखाऊंगा, जिस बंदे को जैसा मांजा चाहिए वैसा मिलेगा भाई, आपको जैसा चाहिए वैसे ही आपको मांजा मिलेगा भाई इनके पास। अब जो मेरा जो है भाई एक्सपीरियंस, मैं उस हिसाब से मांजा दिखाऊंगा। एक मांजा होता है तेज धार का, बिल्कुल, और एक होता है प्लेन मांजा, सही है, जो कि भाई प्लेन मांजा सबसे बेहतरीन लड़ता है, चाहे वो खिंचाई पे लड़ा है या ढील पे लड़ा है। अब ये है 444 की डोर पे लगा हुआ है जावेद उस्ताद का, जावेद उस्ताद का लगा हुआ है। खाली आप मांझे, मैं आपको पहचान बताता हूँ मांझे की, ठीक है, एक जो आपको सबसे हल्का वाला जो मांझा है इसी क्वालिटी में यही डोर होगी। अच्छा अब आप ये डोर को हाथ फेरेंगे बिल्कुल बारीक कांच पे, बिल्कुल बारीक। अब ये डोर ऐसी होती है कि कहीं रुकती नहीं है, ये रुकेगी भी नहीं। जो मोटे कांच वाली डोर होती है उसमें मोटा ही मोटा कांच होता है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि बारीक जो चिकनी डोर जो लगी भी होगी वो ये होगा कि जब पेंच लड़ेगा तो जब वो चुटकी पे चलेगा ना ऐसे ऐसे करके, तो पतंग की डोर जो ना ऐसे ऐसे करके हिलेगी, हिलेगी, जब हिलेगी तो इसमें ये मांजा जो है ना बिल्कुल जड़ेगा नहीं, जो मोटा मांजा होगा वो चुटकी दिखाने से जो ना मतलब वो जड़ेगा भी, आपको नजर आएगा अगर आपकी आंखें तेज होंगी तो। अब ये कहने का मकसद है, अब जो मांजा मैं दिखाता हूँ आपको लोकल है, लोकल मांजा यही क्वालिटी का मांजा होगा, लेकिन हमारी नजर में अच्छा नहीं है भाई। अच्छा जो अच्छा मांजा है मैंने आपको इसलिए दिखाया है चिकना मांजा, भाई आप लोग शौकीन है तो भाई चिकने मांझे की तो जरूर इनसे रब्ता करिएगा। ये कितने की पड़ी है इसे? ये आपको चरखी होलसेल में रेट पड़ेगी भाई 850 रुपए की, 850 रुपए की चरखी है भाई होलसेल में, 444 की डोर रही है, और इसमें मांझा पूरा 1000 गज है, सिरे से सिरा बंदा ले जाए। ये देखो भाई पूरा 1000 गज, पूरा 1000 गज, पूरा 1000 गज है भाई शामी भाई के पास, धूम मचा दी भाई इन्होंने, इसी इसी वैरायटी दिखा दी है। दिखा रहा हूँ जो कि शौकीन बच्चे आते हैं ना, बोलते हैं यार चरखी चाहिए लेकिन अच्छे मांझे की चाहिए, वो चरखी आपको मैं दूंगा, बच्चों के हिसाब के मैं उसमें नहीं कमाता, बच्चों के रेट जो होते हैं वो चल यार 2 पैसे उनका भी शौक पूरा हो जाए, लेकिन वो मांझा अच्छा होगा। लेकिन ये बात मैं आपको कहता हूँ, मांझा जो है जो आपको मैंने रेड वाला जो मांझे का चरखा दिखाया है वही कारीगर का मांझा है, वही मांझा, और 444 की डोर है, 444 की डोर है, बड़ी जबरदस्त लगी हुई है, नजर तो मुझे आ रही है। अब आप इसको खाली पकड़े, ये 444 का तन दिखा रहा हूँ डोर का नहीं, 444 का, आप खाली पकड़े, और डोर असल ओरिजिनल ये होती है, ये देख लो भाई, ये मैं खींच रहा हूँ, ये देखें आप, और ये देखो ये कितना बन गया, जबरदस्त, ये है कितने की वैसे? ये आपको बच्चों के हिसाब के लिए पड़ेगी 750 रुपए की चरखी है, लेकिन इसमें जो मांझा है वो 600 गज का है, 600 गज का, हाँ, लेकिन ये मांझा थोड़ा स्पेशल है। मैं तो ये कहता हूँ कि माशाल्लाह माल बहुत जबरदस्त रखा हुआ है इन्होंने लाके, यहाँ पर मैदानी पतंगे भी इनके पास मौजूद है और लोहरी पतंगे भी मौजूद है और मांझा तो इनके पास एक से एक इनके पास वैरायटी मौजूद है आपको जो दिखाई गई है। शामी भाई जरा अपना नंबर बता दें और यहाँ की लोकेशन बता दें। बिल्कुल अच्छा मेरा नंबर है 03122136832।
दोबारा जरा रिपीट कर दे नंबर को। 03-12-21-36-832। ऑनलाइन का चक्कर है आपका? ऑनलाइन ये है, अगर कोई फुल पेमेंट करवा देता है ठीक है तो उसके बाद हम उसको माल भिजवाएंगे, जैसे कि हैदराबाद हो गया, पंजाब हो गया, सक्कर हो गया, कहीं भी आप बोलेंगे भिजवा देंगे, लेकिन फुल पेमेंट पे। फुल पेमेंट फुल डिलीवरी वगैरह जो डिलीवरी के चार्जेस जो है, अगर कोई 10,000 की शॉपिंग करता है उड़ाने वाला ठीक है तो उसकी डिलीवरी हम देंगे, चाहे वो कराची वाला हो चाहे वो बाहर वाला हो, उसकी डिलीवरी के पैसे हम देंगे। भाई देखने में डिलीवरी फ्री दे रहे हैं, जो मतलब 10,000 रुपए का माल इनसे खरीदेगा डिलीवरी फ्री, डिलीवरी फ्री है बिल्कुल। तो भाई जल्दी से इनसे रब्ता करें, नंबर बता दिया। वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फरीद इन्फोस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जब तक के लिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।